आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2024 में नवरात्र लगभग पूर्णता की ओर है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हुई और शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाए। शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 शाम का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दलसागर तालाब में। यहाँ देखिए आप, जवानों के विसर्जन के लिए महिलाएं पहुंची हैं जवारे लेकर। जवानों का विसर्जन अब यहाँ पर किया जाएगा। ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। जगह जगह देवालयों में जवारे बोए गए थे और जवारे जब निकल चुके हैं। एक ये मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है कि नवरात्र में जवारे, जैसे ही जवारे निकलते हैं, जवारे को देखकर आप नवरात्र का व्रत तोड़ सकते हैं। इस तरीके की मान्यता है, जानकार विद्वान यही बात बताते हैं। शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर बाद से जवारे विसर्जन के लिए निकलना आरंभ हो गए और उसके अलावा शाम को बारिश ने भी कुछ अपनी आमद दर्ज की। बारिश भी कुछ थोड़े समय के लिए बारिश भी यहां पर आई। समाचार एजेंसी इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, भाव में झूमती हुई महिलाएं जवारों के साथ जा रही हैं और जवारे के साथ चलने वाले अधिकांश लोग बिना चप्पल जूते के नंगे पैर ही चलते हुए आपको दिख रहे होंगे। अपने सर पर जवारे और कलश लेकर महिलाएं यहाँ से जाती हुई दिख रही होंगी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। दरअसल चैत्र माह में और नवरात्र, चैत्र माह में भी नवरात्र आती है और जैसे बसंते नवरात्र कहा जाता है, शीत ऋतु में शारदीय नवरात्र कुंवार के महीने में इस नवरात्र का पर्व आता है। और ये अभी हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये शारदीय नवरात्र का नज़ारा। सर पर अपने कलश रखे हुए, ज्योति कलश उनके सर पर है, जवारे भी लेकर महिलाएं निकलती हुई आपको दिख रही होंगी। नगर पालिका परिषद के द्वारा दलसागर तालाब में मुकम्मल व्यवस्थाएं कराई गई, बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं ने कहा जा सकता है। नगर पालिका प्रशासन के यहां पर कर्मचारी तैनात, पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद यहां पर नज़र आ रही है। यातायात को सुचारू रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका यहां पर नज़र आ रही है। दलसागर तालाब आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा और नगर पालिका परिषद के कर्मचारी यहां बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। दलसागर तालाब में यहां पर विसर्जन के लिए एक अलग से, पृथक से एक कुंड यहां पर बनाया गया है। महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों तक माता के शक्ति स्वरूपों की आराधना की जाती है। हम आपको बताते हैं, पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन जब प्रतिपदा होती है तब शैलपुत्री स्वरूप की, माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता का चंद्रघंटा स्वरूप पूजा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माता का कुष्मांडा स्वरूप पूजा जाता है। पांचवे दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। छठवे दिन माता का शक्ति स्वरूप होता है कात्यायनी, शक्ति स्वरूप कात्यायनी का छठवे दिन पूजन होता है। सातवें दिन माता का शक्ति स्वरूप होता है कालरात्रि, कालरात्रि का पूजन होता है। आठवें दिन माता का महागौरी स्वरूप आता है, महागौरी स्वरूप का पूजन होता है। और नौवें दिन अंतिम दिन कहलाता है, जब माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में
इसके उपरांत विजयदशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाता है। वहीं अगर चैत्र की या वासंती नवरात्र हैं तो 9 दिनों की पूजा शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। कुंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बना हुआ, नगर पालिका परिषद के द्वारा इस बनाया गया है और भाव में यहाँ पर माता के भाव में नृत्य करते लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी माना जाता है सिवनी को, और शिव की नगरी में चाहे चैत्र की नवरात्र हो या वसंत की नवरात्र हो, पूरा भक्ति भय माता भक्तिमय माता वातावरण दिखाई देता है। सरों से महिलाओं के सर के ऊपर जो रखे हुए हैं कलश, उन कलश को यहाँ देखिए उतार कर अब यहाँ आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सर पर जवारे भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, माता के कलश यहाँ जलते कलश शाम का समय, और ये कलश कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भक्तों की उपस्थिति सामने आपको दिखाई दे रही होगी, पार्श्व में गीत नगाड़े और बाजे बजते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए भक्ति भाव में झूमती हुई महिलाएं, माता के भाव, इसे भाव आना भी कहा जाता है। माता के भाव में ये झूमती हुई कुछ महिलाएं आपको दिख रही होंगी, कुछ पुरुष भी झूमते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगह जगह जहां भी जवारे रखे गए हैं, उन जवारों के विसर्जन के लिए किसी भी जल स्रोत की तरफ जाया जाता है, उन्हें ले जाया जाता है। देवालयों में रखे ये जवारों को विसर्जन के लिए अब यहां ये पहुंच रहे हैं। दलसागर का हम आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। वैसे जहाँ जहाँ जो भी जल स्रोत महिलाओं को या देवालय के करीब होते हैं, उन जल स्रोत में इनका विसर्जन किया जाता है। महिलाएं अपने सर पर दीपक रखकर, देखिए ज्योति कलश के ऊपर दीपक जगमगाते दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।